नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बॉक्स और मैं हूं आपके साथ सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे खुद को नाली का कीड़ा समझ रहे पीएम मोदी की, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार की, पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को लेकर आई बड़ी अपडेट की, माँ के ऊपर बोझ बन रहे राहुल गांधी की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले भागने की तैयारी कर रही मोदी सरकार की, और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी के पास भगवान राम के अलावा वोट मांगने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। साथ ही रोजगार समाचार में बात करेंगे आज कौन कौन सी सरकारी नौकरियां निकली हैं और उनसे जुड़ा हुआ क्या है नया अपडेट। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल के बाद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी पर लटकी तलवार, मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, उन्हें 29 जून को कोर्ट के सामने होना है पेश। दरअसल आतिशी ने भाजपा पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में मामला दायर किया था। राहुल गांधी के पास न तो नीति है और न ही कोई एजेंडा, वे केवल बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान, बोले कि राहुल उत्तर प्रदेश में भी पॉलिटिकल टूरिज्म पर आते हैं। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, लेकिन अब मैं गाली प्रूफ बन गया हूँ, न्यूज एजेंसी से बातचीत में बोले पीएम मोदी। साथ ही बंगाल की सरकार ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। चक्रवात प्रभावितों से मिलने राहत कैंप पहुंचे अभिषेक बनर्जी, तो भाजपा ने कसा तंज, कहा कि 8000 की टी शर्ट पहनकर गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, टीएमसी को शर्म आनी चाहिए। नौपता के बीच रामलला की सेवा में किया गया बदलाव, अब कूलर नहीं एसी की हवा लेंगे भगवान, साथ ही हल्के और सूती कपड़े पहनाए गए और लगाया जा रहा लस्सी और रसीले फलों का भोग। पीएम खुद को देवता समझते हैं, हिमाचल में बोली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, साथ ही तंज कसते हुए कहा कि 100-100 करोड़ देकर विधायकों को खरीदने वाले धर्म की बात करते हैं, सोचते हैं कि उन्हें धर्म के नाम पर वोट मिल जाएगा। राहुल गांधी पर वीडी सावरकर को बदनाम करने के लगे आरोप वाली शिकायत को पुणे पुलिस ने बताया सही, कहा कि सावरकर ने अपनी किसी भी किताब में नहीं लिखा कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें खुशी महसूस हुई थी। बता दें कि सावरकर के पोते शातकी ने अप्रैल 2023 में दर्ज करवाया था मानहानि केस। तपी धरती झुलसा बदन, आगरा में 26 साल में दूसरा सबसे गर्म दिन, वहीं राजस्थान में तेज लू के चलते हफ्ते भर में 37 से ज्यादा लोगों की मौत। इधर झांसी में 132 साल का टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। चलिए हटिए, मोदी गए अब चुनावी सभा से पहले पुराने अंदाज में दिखे लालू यादव, साथ ही 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा, बोले कि हम आ रहे हैं। हरियाणा में जिस सीट पर आए मोदी राहुल, वहां सबसे कम हुई वोटिंग, वहीं जिस सीट पर पहुंचे योगी प्रियंका, वहां वोटिंग रही टॉप पर। इसके अलावा हिसार गुरुग्राम से दूर रहे दिग्गज, यानी कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 5.54% पोलिंग कम हुई। पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को लेकर आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद जून या जुलाई महीने में जारी कर सकती है किस्त। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम पद से हटाए जाने पर योगी आदित्यनाथ ने दिया जवाब, कहा कि वैसे भी मैं एक योगी हूं, लेकिन विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। डेरा सच्चा सौदा, सिरसा के प्रमुख राम रहीम को मिली बड़ी राहत, रणजीत सिंह केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किया बरी। इंडिया ब्लॉक की 1 जून को होने वाली बैठक में बंगाल सीएम ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल, कारणों का हवाला देते हुए कहा कि मेरे घर में चुनाव है, साथ ही साइक्लोन रिलीफ का भी देखना है। बीएसएफ में 162 और गुजरात हाई कोर्ट में 1318 पदों पर निकली बम्पर वैकेंसी, वहीं इंडियन आर्मी ने अग्निवीर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024 का रिजल्ट किया घोषित। इसके अलावा सभी सरकारी नौकरियों की तुरंत अपडेट पाने के लिए अभी विजिट करें आरके अलर्ट वेबसाइट पर। 4 जून के बाद इंडिया अलायंस के अंदर ही बजेंगे अलर्ट, चुनावी प्रचार के बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले कि 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी 24 साल तक कुछ भी सोचने लायक नहीं रहेंगे। पूर्वोत्तर में बर्फ रहा साइक्लोन रेमल का कहर, लगातार बारिश से मिजोरम में ढही पत्थर की खदान, इस दौरान 10 लोगों की हुई मौत और कई लापता हुए।
वो खुद कमाकर नहीं खा सकते, मां के ऊपर बोझ है। राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़के असम सीएम हेमंत बिस्वा सरमा, कहा कि वे देशद्रोह का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें चेतावनी देता हूं कि वो सेना के बारे में कुछ भी गलत ना बोलें। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और आज के इस बुलेटिन न्यूज को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कीजिएगा। अब खबरों में सबसे पहले हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव के सातवें चरण से पहले आम आदमी पार्टी को लगे बड़े झटके। जी हाँ, जैसे जैसे आम चुनाव कंप्लीट होते जा रहे हैं ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ जहाँ दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत का समय पूरा होता जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर आप सरकार में स्वास्थ्य मंत्री आतिशी को भी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन भेजकर बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग प्रमुख प्रवीण शंकर द्वारा आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है और इस मामले में अब 29 जून को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अंतरिम जमानत की अवधि में 7 दिन बढ़ाने से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार करते हुए सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वैकेंस बेंच में थे तो आपने ये क्यों नहीं मेंशन किया, अब इस मामले पर तुरंत सुनवाई नहीं हो सकता, इसलिए आप आगे के निर्देशों के लिए भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पास जाएं। जानकारी के लिए बता दें कि केजरीवाल ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गिरफ्तारी के बाद उनका 7 किलो वजन घटा है। इतना ही नहीं, उनका कीटोन लेवल भी बढ़ा है। ऐसे में ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी के हो सकते हैं। मैक्स में डॉक्टरों ने जांच की है, अभी पीईटी सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने जरूरी है। ऐसे में इन जांचों को कराने के लिए मुझे 7 दिन की अंतरिम जमानत और दी जाए। केजरीवाल का अंतरिम जमानत का फैसला एक बार फिर बीच मझधार में अटक गया है तो वहीं पीएम मोदी ने गालियां खा खा कर खुद को गाली प्रूफ बना लिया है और इस बात का जिक्र उन्होंने न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में किया है। तो क्या क्या कहा प्रधानमंत्री ने, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के शासन को लेकर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक थे, इसके बाद बंगाल की जनता ने हमें 80 विधायकों तक पहुँचा दिया, इससे टीएमसी के लोग बौखलाए हुए हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में विपक्ष की भाषा को लेकर कहा कि विपक्ष के नेता मुझे गाली देते हैं, मुझे मौत का सौदागर और गंदी नाली का कीड़ा कहा गया, लेकिन मैं पिछले 24 साल से गालियां खा खा कर एक गाली प्रूफ बन गया हूँ। पीएम ने आगे कहा कि संसद में हमारे एक साथी ने हिसाब लगाकर बताया कि मुझे 101 गालियां दी गई हैं, चाहे चुनाव हो या ना हो। विपक्षी मानते हैं कि गालियां देने का हक उनका ही है, वे इतने निराश हो चुके हैं कि गालियां देना उनका स्वभाव बन गया है। वहीं आरक्षण मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे मेरे SC ST OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को सचेत करना है, क्योंकि इनको अंधेरे में रखकर विपक्ष के लोग लूट मचा रहे हैं। विपक्ष संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रहा है और वो भी अपनी मर्जी से वोट बैंक की राजनीति के लिए। सदन का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सदन में कहा था कि भाजपा PSU का निजीकरण कर आरक्षण मिटा रही है, ये सच्चाई नहीं है। कांग्रेस ने तो रातों रात शैक्षणिक संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थान बना दिया था। एक तो प्रधानमंत्री जब भी बैकफुट पर जाते हैं तो किसी इंटरव्यू के हवाले विपक्ष के उन मुद्दों का जिक्र करते हैं जिनका आम जनता से कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है। इस कड़ी में जब पिछली बार उन्होंने इंटरव्यू दिया तो खुद को भगवान का अवतार कहकर नया मुद्दा उठा दिया। हालांकि मोदी के भगवान के अवतार वाले बयान पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पलटवार किया, तो क्या कहा है उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के भगवान के अवतार की बात सामने आई तो वो खुद को रोक नहीं पाए और मंगलवार को उन्होंने अपनी बेटी मीशा भारती के पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से जनसभा की। हालांकि इससे पहले मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को भगवान का अवतार बता रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि पीएम मोदी खुद डरे हुए हैं, क्योंकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और NDA की बुरी तरह हार होगी। आज वे भाग भाग कर बिहार आ रहे हैं और अब देखना वो गांव-गांव भी जाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना यह कहा था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय पूरा होगा जेल का रास्ता तय होगा। इस पर लालू यादव ने कहा कि आप देखना पीएम मोदी को खुद जेल जाना होगा। इसके अलावा हिमाचल पहुंची प्रियंका गांधी ने भी राम के नाम पर वोट मांग रही BJP को जमकर लतार लगाई। उन्होंने कहा कि BJP भगवान राम के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन किसानों की आमदनी दोगुनी करने, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का
काला धन वापस लाने, महंगाई नियंत्रित करने के वादे पर अब तक कोई बात नहीं कर रही। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा कि मोदी खुद वाराणसी नहीं जाते और न ही हमीरपुर के सांसद लोगों का हालचाल पूछते हैं, बस उद्घाटन और शिलान्यास करने चले जाते हैं। यहाँ के सांसद बड़े बड़े महलों, क्रिकेट और मंचों पर दिखाई देते हैं, लेकिन आपदा के समय यहाँ नहीं आते। क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री और गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।